हिंदी सिनेमा के जाने माने अभिनेता मनोज वाजपेयी के पास अभिनय का जबरदस्त अनुभव है, लेकिन वो अभी और अच्छी भूमिकाएं निभाने के लिए उत्सुक हैं, क्योंकि उनका मानना है कि हिंदी सिनेमा में फिल्म निर्माताओं को अभी एक कलाकार के रूप में उनकी क्षमता का पूरी तरह से इस्तेमाल करना बाकी है। वाजपेयी इस बात से खुश हैं कि उनके जैसे स्वतंत्र सिनेमा के अभिनेताओं को फिल्म इंडस्ट्री और दर्शकों से प्रशंसा मिल रही है। उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा, मुझे लगता है कि मेरा कठिन और चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं के लिए और अधिक बार इस्तेमाल किए जाने की आवश्यकता है। मैंने अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया है, इसलिए एक अभिनेता के रूप में अपने आप का उपयोग करने के लिए मुझे नए और अच्छे निर्देशकों के साथ काम करने की आवश्यकता है। अभिनेता ने कहा, अगर अनुभवी निर्देशक मुझे एक अभिनेता के रूप में नहीं देखते हैं तो मुझे नए निर्देशकों की तलाश करनी होगी। अच्छे निर्देशक हैं इरफान खान, राजकुमार राव, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और वाजपेयी जैसे अभिनेता मुख्य धारा की सिनेमा में तेजी से लोकप्रिय हुए हैं, लेकिन वाजपेयी का मानना है कि वहाँ स्टारडम का महत्व हमेशा बना रहेगा। वाजपेयी इस समय अपनी अगली नई फिल्म अय्यारी की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं, जो 16 फरवरी को पर्दे पर आएगी। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।